हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आ चुका हूं। तो अभी मैं जा रहा हूं वापसी गुड़गांव सहादरे से। तो मैं निकल चुका हूं, ये लोनी रोड है, आप देख सकते हैं गाजियाबाद और अपना ये लोनी बॉर्डर के लिए यहां पे वो लगा हुआ है। यहां पे ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही मतलब होता है हमेशा, कभी भी आएंगे। तो अभी मैं यहां पे जो है, मैंने जस्ट मैप अभी लगाया है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से मैं लेफ्ट ले रहा हूं और आपको एक बार दिखा देता हूं। 1 घंटे 22 मिनट का रास्ता दिख रहा है, 46 किलोमीटर है यहां से। लेफ्ट के लिए बोल रहा है, ये वजीराबाद चलने के लिए बोल रहा है। तो मैंने मतलब पहले मेरा कहीं और जाने का प्लान था, बट वो भी प्लान मेरा कैंसिल हो गया है क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह के जाने का था, बट दोनों प्लान फेल हो गए हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सीधा अपना गुड़गांव निकल रहा हूँ। तो अब देखते हैं ये किस रूट को लेके जाता है। अब ये 300 मीटर से लेफ्ट बोल रहा है, तो जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे मैं रूट आपको दिखाता चलूंगा। वीडियो को एंड तक देखें, आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी, कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, और बाकी की जो भी रूट रहेगा वो मैं आपको शेयर करूंगा। ये अपना सहादरे से और अपना जो है गुड़गांव सेक्टर 5 का रूट होने वाला है। तो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस तरीके की वीडियो मेरे चैनल पर अब आपको मिलती रहेंगी। डेली ब्लॉग्स भी मेरे मिलते रहेंगे अब, तो आप कंटिन्यू बने रहें चैनल पर जो है। तो फ्रेंड्स मैं जो जा रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, ये बाबरपुर वाले से बैक जा रहा हूं, सेम ही रूट पे जा रहा हूं, क्योंकि सहादरे होके ये दिखा नहीं रहा था क्योंकि मैं दूसरी साइड निकल आया था। तो यहां पे आप देख सकते हैं कुछ मेट्रो का काम चल रहा है, ये थोड़ी दूर तक ही है, आधा किलोमीटर, उसके बाद ये क्लियर मिलेगा रूट मेरे को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लाइन पहले ही ऑलरेडी कम्प्लीट है, लेफ्ट हैंड साइड वाली, राइट हैंड साइड वाली अभी यहाँ पे काम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। और ये उसी रूट से मेरे को लेके जाएगा जहां तक मेरे को लग रहा है, जिससे मैं आया था। बाकी की जब तक मैं इसके कहीं उस पर नहीं चढ़ जाता जहां से मैं आ रहा था अभी, तब तक मैं आपको श्योर नहीं कह सकता। बट ठीक है, जो भी रहेगा मैं आपको शेयर करूंगा वीडियो में। बाकी की आप बने रहें एंड तक, सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया चैनल को, इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों बनिए रहिए, दिखाता हूं मैं। ये बाबरपुर वाला मेट्रो स्टेशन आ गया है जो कि काफी बड़ा है। यहां से आपकी जो है लोनी की तरफ भी जाती है, और ये अपना जो आनंद विहार वाला रूट है अपना वेलकम होते हुए, ये काफी बड़ा स्टेशन है। यहां से ही दूसरा बन रही है लाइन, तो ये अपना यहां से कंस्ट्रक्शन पीछे खत्म हो चुका है, और यहां पे देख सकते हैं काफी बड़ा ये स्टेशन है। बाकी की चलिए दोस्तों आगे आगे मैं आपको दिखाता रहूंगा चीजें जो भी रहेंगी। बाकी की अभी जो टाइम हो रहा है वो 3:58 हो रखी है, 5:12 पे मेरा अराइवल दिखा रखा है। हो सकता है 10 मिनट पहले या 10 मिनट लेट, वही रहेगा जैसे पहले हुआ था। तो चलिए दोस्तों फाइनली आपको मैं बीच में आपको दिखाता हूँ जहां पे मैं मर्ज होऊंगा उस रोड पे। तो फ्रेंड्स ये काफी कंजेस्टेड एरिया आप देख रहे होंगे जाफराबाद का, और ये अपना बाबरपुर वाला, तो जाफराबाद मैंने क्रॉस कर दिया आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी ट्रैफिक कुछ इस तरीके से अपना मिल रहा है। बाकी की यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 700 मीटर राइट लेंगे हम तो आपका जो है सेम रेट रूट आ जाएगा जो अपने जिससे मैं आया था। मैं पहले सीधा निकल गया था सादरे के लिए, बट अभी मैं राइट लूंगा तो सीधा बस अड्डे के लिए उसी रूट पे मैं आ जाऊंगा, और फिर उसी रूट से अपना चलेंगे जिससे हम आए थे। बट ये थोड़ा सा चेंजेस है कि मैं दूसरी तरफ होके आया हूँ अभी, तो इसमें ठीक है अगर उधर से मैं कंपेयर करूँ तो। बाकी की यहाँ से मैं राइट लूंगा, ये वेलकम आगे स्टेशन आएगा, यहाँ से मैं राइट लेके फिर आगे की तरफ हम चलेंगे। बाकी की धीरे आगे का भी मैं व्यू आपको दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू बने रहे एंड तक, चीजें बहुत सारी आपकी नई चीजें पता लगेंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं अभी जो है गाजियाबाद से, और जो ये बस अड्डे के लिए रूट आ रहा है मैं उसी पर हूँ, और सेम मैंने जाते टाइम भी आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हैं। आगे भी दिखा देता हूँ मैं आपको, एक बोर्ड लगा हुआ है 1 किलोमीटर कीप राइट ऑन टू युधिष्ठिर सेतु। युधिष्ठिर सेतु करके ये मतलब वो है ब्रिज है। बाकी की यहाँ से अभी मैं दिखा दूंगा आपको, एक आजादपुर के लिए रोड भी कट रहा है, 30,000 के लिए है, राजघाट के लिए। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं आगे बस चल रही है। तो पूरा प्रॉपर मतलब हमें 30,000 की ही तरफ को जाना है, ना हमें राजघाट जाना है जिस तरीके से मैप दिखा रहा है। और बाकी की मतलब रोड तो ठीक है, पीछे ही थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था, अभी तो नहीं है, रेड लाइट ज़्यादा होती है इसमें,
बट अब भी देखते हैं, आगे रेड लाइट नहीं मिलनी चाहिए मे बी। ये अपना जमुना का फ्लाईओवर है, तो चलिए दोस्तों आगे को चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि सेम ही रूट से मैं जा रहा हूँ या थोड़ा बहुत चेंज है। पीछे चेंज था, मैंने आपको बता दिया, जो मैं बाबरपुर से आया था लोनी बाबरपुर से होके तब मैं इस पे चढ़ा हूँ, और बाकी की आगे भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कोई चेंज है या सेम ही अपना रूट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैंने बस अड्डा कश्मीरी गेट क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे कोई नित्यानंद मार्ग दिखा रहा है। अभी 1 घंटे 3 मिनट का रास्ता है, 37 मिनट दिखा रहा है और 5:20 का अराइवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस टाइम क्या है, थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे, ये जो एरिया है ये ट्रैफिक का एरिया है। बाकी की आगे देखेंगे, आगे तो ज्यादा नहीं मिलेगा, बट अभी तो ट्रैफिक है रास्ते में ना, यहाँ पे बस अड्डे पे भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। वैसे रेड लाइट भी जाते टाइम कम थी, बट इस टाइम मेरे को लग रहा है कि ज्यादा, इस बार ज्यादा पड़ रही है रेड लाइट, उसकी वजह से टाइम भी लग रहा है। देखते हैं दोस्तों कितने टाइम में पहुंचते हैं, फाइनल आपको मैं बता दूंगा। अभी बीच में आपको और मैं रूट की इंफॉर्मेशन दे दूंगा, कहीं चेंज तो नहीं है रूट में जो है। ठीक है,